So now we talk about the Chhath Puja. थोड़ा डिफिकल्ट है थोड़ा। It's a holy festival. हेलो गाइज, वेलकम अनदर न्यू ब्लॉग। गाइज आज है छठ पूजा, तो आज हम जा रहे हैं छठ का मेला देखने, जो कि हमारे यहाँ पास में ही है। गाइज अभी सफाई का काम चल रहा है, आज शाम को यहीं पे छठ पूजा की जाएगी। अभी लोग सफाई कर रहे हैं यहाँ नहर पे। शाम को ये एरिया दोस्तों पूरा खचाखच भर जाएगा। पूजा की तैयारी चल रही है, तैयारी चल रही है जी, पूजा की तैयारी चल रही है। छठ पूजा की तैयारी करते हुए आज छठ पूजन है और सुबह सूर्य देव को अर्घ दिया जाएगा, शाम को डूबते हुए सूरज को दिया जाएगा और सुबह उगते हुए सूरज को अर्घ देके व्रत की समाप्ति की जाएगी। कहाँ जा रही है अंशु? छठ देखने। मेला देखने जाएगी? हाँ। तू भी जा रही है क्या? देखने। पूजा तो करी नहीं तूने? वहाँ करेंगे पूजा। चलो चलो गाइस, चलते हैं छठ पूजा के लिए। छठ मैया को अधेरे दे रहे हैं, डूबते हुए सूरज को अधैर्य देते हुए। और अभिनंदन करती है इस मैया के छठ पर्व पर आप लोग यहाँ पधारे हैं, और खूब आशीर्वाद रखें। और मेरा सभी से आग्रह है कि कृपया व्यवस्था बनाए रखें। गाइस सुबह जब आए थे तो आपने देखा होगा यहाँ बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी और सफाई का काम चल रहा था, और अब देखो पूरा भक्तों का सैलाब उमड़ा हुआ है। नव युवक छठ पूजा सेवा समिति आप सभी का। नाउ वी टॉक अबाउट द छठ पूजा। सो व्हाई वी कैन एवरी ईयर मेक छठ पूजा, बिकॉज छठ पूजा इज अबाउट सूर्यदेव। सूर्यदेव, सो यू नो अबाउट हरिवंश सूर्यदेव। होली, इट्स अ होली फेस्टिवल। गाइस छठ पूजा कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को मनाया जाता है, और इस दिन सूर्य देव की आराधना की जाती है। तो गाइज आ गए अब घर पे, और अब यहाँ कोसी भरने का कार्य किया जा रहा है। गाइज ये छठ पूजा क्यों की जाती है, कब की जाती है और इसका क्या महत्व है, इसके बारे में हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे। तो हमारे साथ बने रहिए इस वीडियो में।
जा बजावाई हो छठी माई के घाटा भापो जन बाजन बाजा बजावाई हो जो ये छठ पूजा है ने इसका क्या महत्व रखता है, ये किस लिए की जाती है और किस पर्व पे किस समय की जाती है, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। ये व्रत इच्छा पूर्णी व्रत होती है, सूर्य देव के लिए की जाती है, सूर्य देव की आराधना होती है इसमें। ठीक है जी, चार दिनों का व्रत होता है और इससे इस व्रत का करने का ये होता है कि घर परिवार बाल बच्चे सुख शांति बनी रहती है और घर में कोई भी अच्छा हो, कोई नौकरी लगा हो, कोई मकान बनाया हो, कोई शादी की हो, किसी का लड़का हुआ हो तो उसके लिए कोसी भरी जाती है जो आपके सामने है। हाँ जी, और कोसी में भी कोई 12 भरता है, कोई 24 भरता है, दो तरह से भरे जाते हैं। अब ये आप ये कोसी भर के अब सुबह कितने बजे तक निकलोगे यहाँ से? यहाँ से 3-3.5 बजे कोसी लेकर के हम घाट पे जाएंगे। ठीक है, नहर पे और वहाँ पे फिर ऐसे ही है सब कुछ करेंगे, फिर वहाँ से 4-4.25 बजे वापस आएंगे, फिर व्रत वाले ठीक जो व्रत रखे हैं वो जाएंगे घाट पे। ठीक है, और सूर्य उदय होने पे उनकी आराधना करने के बाद अदरक और गुड़ का गुड़ खा करके फिर सूर्यदेव को सूर्यदेव जी को अर्घ दिया जाएगा। हाँ, अर्घ देने के बाद आराधना करने के बाद उसके बाद व्रत खोलने की विधि जो ये है कि अदरक और गुड़ और गर्म पानी से व्रत खोला जाएगा, वहीं घाट पे ही खोला जाता है। ठीक है, उसके बाद घर आकर के जो आपके घर भोजन बना वो खा सकते। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। धूप बत्ती जो भी करना है वहाँ करके आधा घंटा वहाँ रखेंगे, फिर वहाँ से उठाएंगे तो घर आएंगे, फिर व्रत वाले जाएंगे सुबह। अब रात को पूरा रात को जागोगे? जागेंगे, लगभग जागरण ही हो जाता है, काम रात को आराम काम ही होता है। और सुबह 3 बजे अर्घ दिया जाएगा? हाँ, 3 बजे 3:30 हाँ सुबह उठने के बाद अर्घ दिया जाएगा। तो गाइस घर पे आ चुके हैं फाइनली और अब सुबह जाएंगे फिर से घाट पे और सूर्य देव को धैर्य दिया जाएगा, अर्घ दिया जाएगा। तो सुबह आपसे मिलते हैं घाट पे। और गाइस आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करना ज़रूर, और अच्छी लगी हो तो लाइक करना, आपके लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलेगा और अच्छे से अच्छी वीडियो आपके लिए लेके आएंगे। सो थैंक यू, तो सुबह मिलते हैं, गुड नाइट। गाइस सुबह के 4 बज चुके हैं और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके जो सूर्यदेव को अर्घ दिया जाता है उसकी विधि शुरू हो चुकी है, आइए आपको दिखाते हैं। ये माता रानी ये काम पूरा करती है। परिवार वाले मनाते हैं? हाँ, हमारे परिवार मनाता है, लड़की मनाती है, बहू मनाती है। आए हुए हैं उधर है, गुरुद्वारा है ना, देखिए अब जा रहा है ना, दवा रहे लोग, एडजस्ट टाइम होगा वैसे करते रहेंगे।
गाइस आज छठ पूजन का आखिरी दिन है और आज जितनी भी व्रती हैं सूर्य देव को अर्घ देकर आज अपना अपना व्रत खोलेंगे। तो गाइस मैं आ चुका हूँ घर। वीडियो आपको कैसी लगी? जो सूर्यदेव को जो सुबह के समय जो अर्घ दिया जाता है, आपको कैसा लगा? आपके शहर में, आपके गांव में कैसे की जाती है ये पूजा, कमेंट करके ज़रूर बताना। और गाइस अगर ये वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो गाइस मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।